हा। आगे राम जी चित्रकूट वाल्मीकि जी के आश्रम होते हुए चित्रकूट पहुंच गए। राम जी चित्रकूट में रहे 12 साल तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे। राम जी जब चित्रकूट पहुंचे तो खूब आनंद छा गया वन में। वहां के वासी राम जी के पास आकर के जय जयकार करने लगे, सरकार आपकी जय हो। राम जी की सब सेवा में लग गए। राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया, बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। साहब हाथ जोड़ करके चित्रकूट वासी कहते हैं, आप चिंता मत करो, आज से पूरा परिवार आपके चरणों में हमारा सेवा, आपके चरणों में हम लोग सेवा करेंगे। राम जी बड़े गदगद भए, बड़े प्रसन्न भए। इधर सुमंत्र जी धीरे धीरे यह गंगा किनारे ही पड़े अब जाने का विचार हुआ। राम जी को उधर अयोध्या की कभी कभी याद आती, याद आती है तो रघुनाथ जी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। सुमंत्र जी ने अपना रथ पकड़ा। निषाद ने जब सुमंत्र जी की दशा देखी तब समझाया कि आप इस प्रकार से मत अपने आप को परेशान कीजिए, आप ही अगर इस प्रकार से रहेंगे तो अवधवासियों पर क्या बीतेगी, आप वापस जाओ। तब सुमंत्र जी रथ को लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या आए तो दिन में नहीं आए, रात को आए। दिन में हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। रात के समय अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। रथ को बाहर रख करके सुमंत्र जी भवन में गए। महाराज दशरथ जी को खबर लगी तो दशरथ जी के पास गए। आहा, मैं राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा तो क्या करोगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं चित्रकूट जाऊंगा, जहां राम जी होंगे मैं लाऊंगा, मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। सब भरत की सराहना करने लगे। गुरुजी भी कहने लगे, हाँ तुम सच कह रहे हो, लगता है हमारा बुढ़ापा आ गया है। भरत पहली बार वशिष्ठ जी ने ऐसे वचन बोले। भरत जी तैयार भय बन जाने के लिए, आपको चलना हो गुरुदेव तो चलो, गुरुजी भी चले, माताएं भी चले। राग तोड़ी, माताएं भी हैं, भरत जी भी गए। तैयार होकर के वन में राम जी को मनाने चले हैं। लोगों ने कहा रथ से चलो, तो भरत जी ने पूछा राम जी किससे गए थे वन? लोगों ने कहा रथ से और आगे पैदल। तो भरत जी कहते हैं, अगर राम जी रथ से गए और मैं भी रथ से जाऊं तो स्वामी और सेवक की बराबरी हो जाएगी, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। तो भरत जी की उदा, सच बोले भैया, भरत जैसा भाई ना हुआ है ना हो सकता। भरत जी अद्भुत भाई है। तीनों माताएं रानियां, भरत जी चले। जब भरत चले ना, जैसी भरत तमसा किनारे पहुंचे तो निषाद राज को लगा कि ये जो है भगवान के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पर जब हकीकत जानी तो उन्होंने भी साथ दिया। भरत जी भगवान के पद चिन्ह, जहां बता देते कि भगवान इस पेड़े से भगवान टिके थे, अगर कोई बता दे कि भगवान इस वृक्ष से चलते समय टिके थे तो भरत जी दौड़कर जावे और लिपट जावे, लिपट करके रो पड़े भरत जी कि तू बहुत भाग्यशाली हो भैया जो हमारे प्रभु राम ने तुमको स्पर्श किया। किसी पत्थर पर पता लग जाए कि राम जी ने इस पत्थर पर चरण रखे थे, भरत जी जाकर के पत्थर पर धड़ाम से गिर पड़े और लेकर के हाथों से रज लेकर पूरे शरीर में मले उस पत्थर से उठा उठा करके। पहले तो देवता डरे
कि अगर भरत जी जाएंगे तो राम जी लौट आएंगे, क्योंकि भरत जी इतना रो रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि एक बार राम जी देख भर ले लौट आएंगे। देवताओं को लगा ये जाने ना पाए, अगर चले जाएंगे तो राम जी लौट आएंगे। पर जब देवताओं ने वो आर्तनाद भरत का सुना, चिल्ला करके भरत जी जब रोते हैं हा राम, इस आर्तनाद को सुनकर देवता भी कहने लगे हे भगवान, आप भरत का ये रोना नहीं देखा जा रहा, लौट आना। आर्तनाद भरत का, वो आर्तनाद ऐसा करते भरत जी, ऐसे रोते, जो देखता वो कहता काश राम जी सुन ले तो लौट आएंगे। प्रयागराज जब भरत जी पहुंचे ना, तो प्रयागराज के महात्मा वहां जितने थे तीर्थराज में, सब तीर्थवासी सोचने लगे और सब कहने लगे, क्या हम लोगों ने तपस्या की तो उस तपस्या का फल तो ये था कि हमको राम जी के दर्शन भए। महात्मा कहते हैं हम लोगों ने तपस्या की ना तो उसका फल है कि हमें राम जी के दर्शन भए। पर जब राम जी के दर्शन भए तब हम लोग सोच रहे थे कि राम जी के दर्शन का क्या फल है। तपस्या का फल तो राम जी के दर्शन है, पर राम जी के दर्शन का क्या फल है? तो मुनि बोले आज भरत जी के दर्शन हो गए तो आज पता लगा तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल भरत जी है। राम जी के दर्शन का फल भरत जी। भरत जी आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। भरत जी इतना रोए साधु कि पृथ्वी भी संकुचित हो गई। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, भरत जी की दशा को देख करके रास्ते के पत्थर पिघल जाते। राम जी चित्रकूट में हैं। अगर भरत चरित्र को बोलेंगे ना तो आगे और कथा नहीं कह पाएंगे। आज चूंकि कोशिश है कि आगे तक बढ़ा लें, चूंकि कल विराम है ना, तो भरत चरित्र एक ऐसा चरित्र है कि उसको बोल नहीं पाते हैं। बस यूं समझ लीजिएगा कि जब देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि भरत जी के कहने पर राम जी लौट आए, तो भरत जी का भाव क्या रहा होगा। जिन देवताओं ने राम जी को वन भिजवाया, क्या कहने सर, भरत चले चित्रकूट।